बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आज की वीडियो विलार्ड कैरोल स्मिथ अदाकार ऑस्कर अवार्ड याफ्ता के मुतालिक है। उनकी पैदाइश 25 सितंबर 1968, अमरीकी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी तारीफें हासिल की हैं, जिनमें एक अकेडमी अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड और एक बैफ्टा अवार्ड और 4 गरिमी अवार्ड हासिल की है। यो ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार विल स्मिथ के मुतालिक है, जिन्होंने कुरान पाक से मुतासर होने का इंकशाफ किया है। बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले हॉलीवुड के नामवर अदाकार विल स्मिथ ने माह रमजान में कुरान पाक को हर बार पढ़ने और उससे मुतासर होने का इंकशाफ किया है। विल स्मिथ ने हाल ही में बिग टाइम पॉडकास्ट में मिस्री साफी अमर अदीब के साथ एक पॉडकास्ट में बताया कि कुरान पाक ने उनकी जिंदगी को किस तरह मुतासर किया है। उन्होंने कुरान और उसके रूहानी असरात पर भी बात की। विल स्मिथ ने बताया कि पिछले 2 साल से वो मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, वो अपने आप को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इस साल रमजान में कुरान पाक समेत तमाम मुकद्दस किताबें पढ़ी। विल स्मिथ ने कहा कि किस तरह 3 मुकद्दस किताबें कुरान, तौरात और बाइबल एक दूसरे से जुड़ी।